पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। माता के नवरात्रे चल रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं माता मनसा देवी मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार पर। आपको दिखाना चाहेंगे कि माता के नवरात्रों पर यहाँ हर कोने से आए हुए लोगों का हजूम है और आप देखिए यहाँ पर कड़े सुरक्षा प्रबंध पुलिस के द्वारा किए गए हैं ताकि आने जाने वाले किसी यात्री को किसी जिस प्रकार से जो माता के मंदिर में आने जाने वाले भक्तजन हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। कड़े सुरक्षा प्रबंध यहाँ पर आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमराज हैं, पार्किंग की अलग व्यवस्था है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं कई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं यहाँ, क्योंकि जिस प्रकार से एक पार्किंग यहाँ पर पहले से तैयार है अब एक विशाल पार्किंग और जो मल्टी स्टोरी पार्किंग है वो भी बनाई जा रही है ताकि भविष्य में किसी को कोई दिक्कत ना आए। आप अगर यहाँ पर देखें तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पूरे उत्तर भारत और पूरे देश से माता मनसा देवी की जो शक्तिपीठ है मनसा देवी यहाँ पर माथा टेकने के लिए श्रद्धालु आते हैं और दूर दराज से यात्रा कर आते हैं और अपने मन की इच्छाएं यहाँ पर माता के चरणों में रखते हैं, नतमस्तक होते हैं और माता जो है अपने भक्तों की, अपने बच्चों की जो फरियाद है, अपने जो दुख निवारण करती है, श्रद्धालुओं की ऐसी मान्यता है। यहाँ पर ये दृश्य देखे जा सकते हैं कि पुरुषों, महिलाओं सबके यहाँ पर पूरी की पूरी अगर कहा जाए लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं। ये एरिया VVIP एरिया है, यहाँ लिफ्ट लगी हुई है और दो लिफ्ट यहाँ पर लगाई गई हैं आवागमन करने के लिए। यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिगत आप देख सकते हैं कि पूरे प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी प्रकार से कोई घटना दुर्घटना यहाँ पर ना हो। हर चीज़ से निपटने की पुलिस की यहाँ पर पूरी तैयारी है। माता के दरबार में आने वाले भक्तजनों की सब मनोकामनाएं पूरी हो ऐसे व्यवस्था यहाँ पर जो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है उनके द्वारा की गई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।